किताबी कीड़ों जान ले आखिर क्यों मनाया जाता है पुस्तक दिवस। आज यानी 23 अप्रैल को हर साल विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये दिन खास जरूर होगा। यूं तो पढ़ने का कोई दिन नहीं होता, लेकिन इस दिन के पीछे एक खास महत्व और इतिहास है जो आपको जरूर जानना चाहिए। दुनिया कितनी भी आधुनिक तकनीक से भर जाए, लेकिन किताब हाथ में लेकर पढ़ने का अलग ही आनंद है। यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे की शुरुआत की थी। 1923 में प्रसिद्ध राइटर मिगुएल डी सर्वेंटिस मिगुएल डी सर्वेंटिस को सम्मान देते समय ये घोषणा की गई थी कि मिगुएल डी सर्वेंटिस की याद में वर्ल्ड बुक डे मनाया जाएगा। उनका देहांत 23 अप्रैल को हुआ था, जिसके बाद इसी दिन वर्ल्ड बुक डे मनाया जाने लगा। स्पेनिश लेखक मिगुएल डी सर्वेंटिस महान लेखकों में से एक थे। पुस्तक दिवस का महत्व 23 अप्रैल को मिगुएल डी सर्वेंटिस के अलावा साहित्य सम्राट लेखक विलियम शेक्सपियर की भी मृत्यु हुई थी। माना जाता है कि मिगुएल डी सर्वेंटिस और विलियम शेक्सपियर का देहांत एक ही दिन 23 अप्रैल 1616 में हुआ था। विश्व पुस्तक दिवस 2019 की थीम इस वर्ष पुस्तक दिवस का विषय साहित्य और स्वदेशी भाषाओं को बढ़ाने और संरक्षित करने पर विशेष ध्यान देने के साथ पढ़ने के लिए केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र का उल्लेख है कि ज्ञान के एक मार्गदर्शक के रूप में किताबें विभिन्न संस्कृतियों, पहचानों और भाषाओं के माध्यम से अपनी विशिष्टताओं को प्रकट करते हुए कहानी और लोगों को एक साथ लाती हैं। इस विषय पर ध्यान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाने पर केंद्रित है। इस वर्ष शारजाह को एक वर्ष के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। पढ़िए आप शारजाह में हैं के नारे के साथ कार्यक्रम 5 विषयों पर केंद्रित है, समावेशिता, पढ़ना, विरासत, प्रकाशन और बच्चे।